भिवाड़ी की यूआईटी थाना पुलिस की हेड कांस्टेबल कविता ने बहादुरी का परिचय देते हुए मोटरसाइकिल से पीछा कर दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बदमाश गत 2 दिसंबर को नूह की जेल से चोरी के मामले में जमानत पर बाहर आया था। दोनों ही आरोपी भिवाड़ी में दर्जनों मोबाइल, बाइक और चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल सहित आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की स्मार्टफोन बरामद किए हैं। यूआईटी थाना पुलिस ने बताया कि भिवाड़ी में कई दिनों से रही चेन स्नेचिंग की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक सर्च अभियान चलाया और इसी अभियान के तहत गुरुवार को रिलैक्सो चौक और सांसलंका गांव के रोड पर भिवाड़ी में कई वारदातों को अंजाम देने वाले बावला तावड़ू हरियाणा के रहने वाले आरोपी आमिर पुत्र यूसुफ मेव और सोहेल पुत्र इकबाल मेव को देखा गया, जिस पर यूआईटी थाने के हेड कांस्टेबल कविता ने दोनों ही बदमाशों का बाइक से पीछा किया और दोनों को ही दर दबोचा। थाने लाकर दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा वारदात करना कबूल किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए हुए 6 मोबाइल, स्मार्टफोन सहित एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि दोनों ही आरोपी अव्वल दर्जे के बदमाश है और इनमें से सोहेल पुत्र इकबाल गत 2 दिसंबर को ही नूह जेल से जमानत पर बाहर आया था। यह कई सालों से चोरी और लूटपाट के मामलों में जेल में बंद था। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है।